1787 में आज के दिन पेंसिल्वेनिया अमेरिका के संविधान को अंगीकार करने वाला दूसरा प्रांत बना। साल 1800 में आज के दिन वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया था। आज के दिन 1822 में अमेरिका ने मेक्सिको को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। 1884 में आज के दिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। 1911 में आज के दिन जॉर्ज पंचम और मैरी भारत के सम्राट के रूप में भारत आए। 1915 में आज के दिन राष्ट्रपति युआन शी काई ने राजतंत्र को पुनः बहाल कर स्वयं को चीन का सम्राट घोषित किया था। 1950 में आज के दिन अभिनेता और राजनेता रजनीकांत का जन्म हुआ था। 1964 में आज के दिन राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ था। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1992 में आज के दिन हैदराबाद के हुसैन सागर झील में विशालकाय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई। 1996 में आज के दिन भारत और बांग्लादेश ने गंगाजल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे।